दोस्तों, आप सभी लोग टीवी सीरियल में नजर आने वाले सितारों को तो काफी अच्छे से जानते होंगे, जिन्होंने अपने सीरियल में दमदार अभिनय प्रदर्शन करके अपने एक्टिंग करियर को ऊंचाइयों की बुलंदियों तक पहुंचाया। इसके साथ ही इन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उन्हें जो सफलता एक टीवी सीरियल में मिली है, वो सफलता इन्हें बॉलीवुड की फिल्मों में नहीं मिली, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी गलतियां कर दी है जिसकी वजह से आज ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक फ्लॉप सितारे बन चुके हैं। तो देर किस बात की, आइए रूबरू होते हैं उन फ्लॉप सितारों से। नंबर एक, रश्मि देसाई। दिल से दिल तक में शौर्वरी का किरदार निभाकर फेमस हुई अभिनेत्री रश्मि देसाई ने अपनी एक गलती की वजह से बॉलीवुड में अपनी फ्लॉप पहचान बनाई है। इन्हें साल 2000 में आई फिल्म ये लम्हे जुदाई के में अभिनय करने का मौका मिला था, जिसमें इन्होंने काफी जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बाद इन्हें शबनम मौसी, दबंग दो और सुपरस्टार जैसी फिल्मों में काम करने का मौका मिला, लेकिन अफसोस इन्होंने इन सभी फिल्मों को बहुत ही जल्दबाजी में साइन किया था और इसी वजह से यह अपने शूट को परफेक्ट तरीके से पर्दे पर उतार नहीं पाए और ये साबित हो गई फ्लॉप एक्ट्रेस। नंबर दो, प्राची देसाई। टीवी इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री प्राची देसाई भी उन अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने एक्टिंग करियर को फ्लॉप कर दिया। जी हाँ, इन्हें स्टार्टिंग में तो काफी सारी फिल्में ऑफर की गई, पर इन्हें अजहर फिल्म में काम करने का मौका मिला तो जरान इनकी लड़ाई इस फिल्म डायरेक्टर से हो गए, जिसके बाद इस फिल्म के डायरेक्टर ने इनकी इमेज बॉलीवुड इंडस्ट्री में इतनी गिरा दी कि अब कोई भी इन्हें अपनी फिल्म में काम नहीं देना चाहता। नंबर तीन, रूपाली गांगुली। इस देश की तीसरी कड़ी में अभिनेत्री रूपाली गांगुली का नाम शुमार होता है, जिन्होंने अपनी एक गलती की वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने करियर को फ्लॉप कर दिया। जी हाँ, इन्होंने वैसे तो अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बचपन में आई फिल्म साहिब से कर दी थी और जिसके बाद इन्हें कई और फिल्मों में काम करने का मौका मिला। इसके बाद इन्हें लगने लगा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की स्टार बन चुकी है, पर जब इन्होंने सतरंगी पैराशूट फिल्म में अभिनय किया तो वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई, जिसके बाद धीरे धीरे इनके इमेज बॉलीवुड में गिरती चली गई। नंबर चार, कृतिका सेंगर। सीरियल पुनर्विवाह में आरती का किरदार निभाकर मशहूर हो चुकी अभिनेत्री कृतिका सेंगर को तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि इन्होंने भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिल्म माय फादर गॉडफादर से डेब्यू किया था, जिसमें इन्होंने जानवी का काफी अच्छा सा किरदार पर्दे पर निभाया, पर बावजूद इसके ये फिल्म पर्दे पर फ्लॉप हो गई, जिसकी वजह से इनका करियर भी डूब गया। नंबर पाँच, अनीता हसनंदानी। इस देश के आखिरी कड़ी में अभिनेत्री अनीता हसनंदानी का नाम शुमार होता है। आपको बता दें कि इनका करियर भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में फ्लॉप हो चुका है। जी हाँ, इन्होंने शुरुआत बॉलीवुड इंडस्ट्री से बड़े पर्दे पर आकर की थी, लेकिन इन्हें जब मनपसंद किरदार नहीं मिले तो इन्होंने अपना रुख टॉलीवुड की तरफ कर लिया, पर अफसोस इन्हें वहाँ भी इनका मनपसंद रोल नहीं मिला, जिसके बाद इन्होंने एक बार फिर से बॉलीवुड इंडस्ट्री की ओर अपना रुख मोड़ना चाहा, लेकिन तब तक इनकी इमेज खराब हो चुकी थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर ये अभिनेत्रियां ये गलती ना करती तो क्या ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाना माना नाम बन पाती? अगर हाँ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और धमाकेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।